इसीलिए मैं महाराज आपको रोक रहा था, पर आपने सुना नहीं। मेरे ना रुकने से मेरा हाथ तो चल गया, परंतु मेरे ना रुकने से मेरे मन को संतोष मिला। इस कक्ष के भीतर गुरुदेव जो भी कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। बस 15 दिन की प्रतीक्षा। उसको अपने स्वयं देखना चाहूंगा। गुरुदेव मेरे काल के काल को ऐसा बनाते हैं। बहुत अधिक उत्सुक हूं मैं, बहुत अधिक। वो तो ठीक है महाराज, परंतु क्या इतने दिन बीत जाने तक कृष्ण को खुला छोड़ना क्या उचित होगा? अर्थात साहूकार के पास जिस संदेश वाहक को आपने भेजा था वो लौट आया है और उसने बताया कि उस मायावी कृष्णा की लीलाएं अब भी चल रही हैं। आपको उस कृष्ण पर अंकुश रखने के लिए वहां पर किसी न किसी को भेजना होगा। अंकुश। कान्हा, मामा से तो अब तक नहीं सुधरे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें नहीं मार सकते। नहीं दाऊ, हमारे मामा श्री बह और अहंकार वश कुछ समझ ही नहीं पाते। हाँ, यदि वो अपना ये बह और अहंकार छोड़ दे तब बात बने, किंतु ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। हाँ दाऊ, एक कार्य अवश्य हो सकता है। बैठिए दाऊ। ये क्या है कान्हा? दाऊ, आज आपने बहुत सा परिश्रम किया है। आपने बैलगाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल तो दिया, किंतु आपके हाथ में छाले पड़ गए। तुम्हारे जैसे अनुजा के लिए ऐसे लाखों चाले स्वीकार है। दाऊ, अभी तो आपको मेरे ऐसे बहुत से कार्य करने हैं। देख रहे हो ना, अभी तो हमारे लिए एक और नया खिलौना तैयार हो रहा है। हाँ कान्हा, पहले की भांति इस खेल में हम ही जीतेंगे, किंतु हमारे और अन्य खेलों का क्या होगा? यदि तुम यमुना तट पर नहीं जाओगे तो फिर मैं भी यमुना तट पर नहीं जाऊंगा। नहीं दाऊ, आपको वहाँ जाना होगा। यदि गाय हरा भरा चारा नहीं खाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा दाऊ। और वैसे भी यदि मनोरम प्रकृति मुझे पुकारेगी तो मुझे वहाँ अवश्य ही जाना होगा। और मेरा क्या है, मैं तो कभी भी हवा के झोंके की बाकी यहाँ से वहाँ आ जा सकता हूँ।